भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पिछले कड़ी में हम कहाँ छूट गए थे। तो पिछले कड़ी में हम रुके थे उस जगह पर जहां तथागत बुद्ध के चरणों में माता यशोधरा गिरी हुई है, उनके चरण पकड़कर वो जोर जोर से रो रही है। और यह प्रसंग है तब का जब तथागत बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के बाद पहली बार कपिल वस्तु में आए थे। और कपिल वस्तु में आने के बाद जब वे कपिल वस्तु नगर में भिक्षाटन कर रहे थे तो राजा शुद्धोधन उन्हें अपने महल में लेकर चले गए। और जब महल में लेकर गए तो वहां सब के सब उनसे मिलने तो आए, लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आई। तो यशोधरा से मिलने वे इस वक्त उनके कक्ष में पहुंचे हैं और वो उनके चरण पकड़कर जोर जोर से रो रही है। अब उसके रोने की आवाज़ सुनकर राजा शुद्धोधन भी उसके कक्ष तक पहुंचे। राजा शुद्धोधन को देखकर माता यशोधरा झट से खड़ी हो गई और फिर उस जगह जाकर वो बैठ गई और वहाँ भक्तिभावना के साथ वो तथागत की ओर देखती रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी ये उनका सहचर जो आज लोक गुरु है, शाक्य मुनि है। तो शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए ये कहा कि इसका ये जो व्यवहार है ये कुछ क्षणिक भावना का परिणाम है। वे तथागत से कहते हैं कि आप ये ना समझे कि भाई इसने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि वो तथागत के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो शुद्धोधन ने उनसे कहा कि भाई ये क्षणिक भावना है उसकी, लेकिन इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप शायद जानते होंगे कि जब तथागत बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति से पहले वे राजकुमार सिद्धार्थ और वे जब घर से निकले साधना के लिए, ध्यान के लिए, और उस पूरी तपस्या के दौरान उन्होंने जो जो किया, जब माता यशोधरा को यह पता चला तो राहुल माता यशोधरा ने क्या किया, जब उनको यह पता चला कि राजकुमार ने अपने केशवपन कर लिए, सिर मुंडवा लिया है, उन्होंने भी अपने केशवपन कर लिए, सिर मुंडवा लिया। जब उनको पता चला कि वो एक आहारी बन गए हैं, वो भी महल में रहकर एक आहारी बन गई, वो एक वस्त्रधारी है तो ये भी एक वस्त्रधारी हो गई। और इस तरह से मतलब देखिए कि जहां उन्होंने जब सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया तो इन्होंने भी वैसा ही किया, सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया। और जब उसने सुना कि सिद्धार्थ एक आहारी हो गए तो वह भी मृत्यु का पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। आप इस बात को समझिएगा कि राजकुमार सिद्धार्थ की तपस्या में या फिर उनकी वो जो पूरी मेहनत है, जिस मेहनत के आधार पर उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, उस बुद्धत्व प्राप्ति की यात्रा में राहुल माता यशोधरा का भी उतना ही योगदान है। बस ये महल में है, ये भी सन्यासन है, वे जंगल में है, वो भी सन्यासी है। और ये एक सन्यासी और सन्यासन दोनों, एक सहचर और सहचारिणी दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर रहे हैं। और तब कहीं वे बुद्धत्व को जब प्राप्त होते हैं तो देखिए यहां जब आपको याद होगा हमने पिछली कड़ी में देखा था कि सारिपुत्र और मोगलायन से तथागत बुद्ध कहते हैं कि देखो मेरे आश्रव टूट गए हैं, यशोधरा के नहीं, यदि वो मुझे छू भी ले तो आप उसे रोकना मत। ये जो बात है ये वहां से आती है। अब देखिए यदि ये क्षणिक भावुकता नहीं है तो ये सब इसके साहस की ही परिचायक है। तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्रज्ञा के समय दिया था। तब
तथागत बुद्ध ने यशोधरा को ये सारी बातें याद दिलाई कि देखो, ये तुमने जो परिचय दिया तुम्हारे साहस का, तुम्हारे धैर्य का, जब मैं यहां से निकला था, उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। ये उसी का कर्म था, ये महान पुण्य का परिणाम था। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो कुछ मैंने प्राप्त किया है, ये उसकी, मतलब राहुल माता यशोधरा की, ये कोमलता है, ये उनकी पवित्रता है, ये उसी का कर्म है, ये उसी का कर्म है जिसका ये महान फल, ये पुण्य, ये उसके परिणाम जो मैंने पाया है, ये वहां से आया है। और ये बात स्वीकारोक्ति है उस सहचारिणी के लिए, जिस सहचारिणी ने इस सहचर को पूर्णतः सहयोग करते हुए, वो उनके साथ नहीं थी जंगल में, लेकिन जंगल में वो जिस अवस्था में थे, उस अवस्था को उसने महल में जी लिया। और यहां से ये चेतना, ये ऊर्जा उनके पास भेजती रही। अब ये बड़ा कहने सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसका मतलब यही होता है। जब तथागत कहते हैं कि ये उसी का कर्म, ये उसी का कर्म था, ये महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी। यशोधरा की जो वेदना है वो वचनों से परे है, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को चार चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया। यशोधरा के इस महान योगदान को बौद्ध साहित्य ने कैसा लिखा है आप देखिएगा कि यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, जो धैर्य दिखाया, जो वीरता दिखाई, इससे उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को, उसका जो आध्यात्मिक उत्तराधिकार है, उसे चार चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया है। उसे भी अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकार को अनुपम पद प्रदान किया है। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया। अब यशोधरा ने ये जो 7 वर्ष का राहुल है, इसे एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, वो लेकर आई उनके सामने और बोली, ये देखो, ये श्रमण जो ब्रह्मा के समान है, ये तुम्हारे पिता है, उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है, उनके पास जा और वो अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। एक पुत्र से माता कह रही है कि जा अपने पिता से अपना अधिकार मांग, क्योंकि तू उसका उत्तराधिकारी है। और वो राहुल से कहती है कि देख, उसके पास में एक ऐसा अक्षय निधि है जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला, वो निधि उससे मांग ले। वो उसके पास जो निधि है उसका मुझे अभी तक परिचय नहीं है, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, तू जा और तू उसे मांग ले। तो राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा शुद्धोधन को ही पिता जानता हूं। क्योंकि बड़ी सामान्य सी बात थी कि राहुल उनके जन्म के बाद से ही उन्होंने पिता को तो वैसे देखा नहीं, जो देखा वो याद नहीं, उन्होंने जिस पिता को देखा वो एकमात्र शुद्धोधन है जो उसके दादा है। तो वो कहता है कि मेरे पिता कौन है? मैं तो बस एक बाबा शुद्धोधन को ही जानता हूं, वही मैं उन्हीं को पिता जानता हूं। तो यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया, वो देख, वो तेरे पिता हैं और शुद्धोधन नहीं। उस समय तथागत भिक्षु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर नहीं थे। ये खिड़की से दिखा रहे थे क्योंकि वहां भोजन का
समय हो चुका था और पिंडपात के समय में ये सब वार्तालाप चल रहा था और यशोधरा दूर से राहुल को दिखा रही थी कि वो देख शुद्धोधन तेरे पिता नहीं, वो जो बैठे हैं, वो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो तेरे पिता हैं। तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयता पूर्वक किंतु बड़े ही स्नेह स्निग्ध स्वर में बोला, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने लगा, श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है, तथागत निःशब्द रहे। दो चीजें बोली उन्होंने, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो, एक बात, और दूसरी बात, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। अब तथागत की छाया है वो तो सुखकर होनी ही है, और इनके लिए तो वो पिता भी है। पूर्व समय में, पूर्व काल में जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया था, तो राहुल की ये बात सुनकर तथागत बिल्कुल निशब्द है। जब भोजन समाप्त हो गया तो तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल उनके पीछे पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार मांगता रहा। अब राहुल तो मां से सुनकर निकला था और मां ने कहा था कि भाई जाओ तो उनसे उत्तराधिकार मांगो, क्योंकि उनके पास एक ऐसा अक्षय निधि रखा हुआ है, जाओ उसे ले लो। तो राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने ही। अब तथागत सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि न तथागत ने राहुल को रोका, न भिक्षु संघ ने राहुल को रोका, लेकिन तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा कि सारिपुत्र देखो, राहुल उत्तराधिकार मांग रहा है, उत्तराधिकार चाहता है, और मैं उसको ये नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं जो अपने में एक अक्षय निधि है। तथागत ने दो बातें कही, वो उत्तराधिकार जो एक ऐसी संपत्ति है जिसका क्षय होता है, कोई भी संपत्ति जो भौतिक जगत की है उसका तो क्षय होना ही है, तो वे कहते हैं कि मैं तो इसे ये दे नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक दूसरा निधि है जो बिल्कुल जिसका अक्षय कभी नहीं होता। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है। अब देखिए तथागत राहुल से कह रहे हैं कि देखो भाई, मेरे पास सोने चांदी हीरे मोती ये सब चीजें नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है तो वो मेरे पास जरूर है। वे कहते हैं कि वो निधि मेरे पास है, अगर तू चाहता है तो वो निधि है भाई मेरे पास, मेरी अध्यात्म निधि मेरे धर्म का मार्ग ही है। क्या तू उनके संघ में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राप्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तथागत ने तीन बातें कही कि देखो, जो प्राप्त करने लायक है उसको प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं। दूसरी बात वे कहते हैं कि जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है, उसको वे प्राप्त करते हैं, वो प्राप्य है, तो ये मेरे पास निधि है, क्या तू उस संघ में प्रविष्ट होना चाहता है? तो राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, प्रविष्ट होना चाहता हूं। अब राहुल इस बात के लिए तैयार हो गए। जब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया, उसे बड़ा क्लेश हुआ। अब पुत्र के संबंध में तो उसका दुख था ही, लेकिन पुत्र तो घर से बेघर हो गया, अब पोता भी, वो भी पिता की राह चल पड़ा और वो भी घर से बेघर हो गया। लेकिन इसमें देखिए कि तथागत ने स्वयं जब किसी उत्तराधिकार को देने की बात कही तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई मेरे पास तो यही उत्तराधिकार है, ये जो मेरा भिक्षु भिक्षा के आधार पर जीने वालों का, ये जो मेरा बुद्धों का वंश है, मैं इसी वंश का उत्तराधिकार तुम्हें दे सकता हूं, और वो उत्तराधिकार संघ में आता है, उसका वास्तविक उत्तराधिकार ये धम्म होता है। तो धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी कहते हैं वो इसके कारण, क्योंकि यहां कोई
कोई भौतिक वस्तु, कोई व्यक्ति, ये यहाँ पर नहीं आता है। तो बस ये एक चेतना के प्रवाह का और धम्म के प्रवाह का ये सारा कार्य है, और ये ही ऐसा का ऐसा ही आगे बढ़ता चलता है। तो यहाँ ये द्वितीय कांड का चौथा भाग और इसका ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी पठन पाठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।